सोचिए अगर फिल्म शोले में हेमा मालिनी की जगह उनकी मौसी बसंती का किरदार निभाती तो कैसा होता। जी हाँ, लीला मिश्रा जिन्होंने मौसी का किरदार निभाया था वो दरअसल हीरोइन बन सकती थी। मात्र 18 बरस की थी जब इन्हें हीरोइन का ऑफर आया था। ये बात उस दौर की है जब फिल्मों में लड़कियां बड़ी मुश्किल से काम किया करती थी। इनकी शादी हो चुकी थी, इनके पतिदेव भी छोटे मोटे रोल किया करते थे फिल्मों में, और एक दिन इन्हें हीरोइन बना दिया गया। इनके हीरो थे शाहू मोदक, फिल्म का नाम था होनहार। फिल्म को बनाने वाले थे जागीरदार। जागीरदार साहब ने कहा कि जाओ लीला शाहू मोदक के साथ एक रोमांटिक सीन करो। लीला जी ने कहा अरे रोमांटिक सीन क्या होता है। तो जागीरदार ने बोला कि जाओ शाहू मोदक को गले लगाओ। लीला जी ने कहा मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं अपने पति के अलावा किसी और को छू नहीं सकती। कहते मतलब कि मैं ये रोमांटिक सीन कर ही नहीं सकती। डायरेक्टर ने कहा अरे हीरोइन को करना पड़ता है। कहते हीरोइन को करना पड़ता होगा पर मैं नहीं करूंगी। जागीरदार ने कहा कि इन्हें कंपनी से निकाल दिया जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इतना अच्छा बना हुआ था कि लीला मिश्रा और उनके पति को कंपनी से निकाला नहीं जा सकता था। इसलिए सबने कहा जाने दो गुस्सा थूको, 18 साल की लड़की है, अलग तेवर है इसके, एक काम करो इसे हीरो की माँ बना दो। बस जी शाहू मोदक की हीरोइन शाहू मोदक की माँ का किरदार निभा रही थी और हीरो इनके पांव छू के आशीर्वाद ले रहा था। और धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुंची कि मौसी ने वीरू और बसंती की शादी में भांजी मारने की कोशिश भी की। है ये बड़ी अद्भुत दास्तां, ऐसी और भी बड़ी अनोखी कहानियां। पेश रही रिपोर्टर पर।